हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ वातोस के अंदर हमने प्राणवायु को कवर किया था, वो मैंने आपको बहुत ही डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया था और बहुत ही बारीकी के अंदर एक एक पॉइंट मैंने आपको बताए थे। आशा करता हूँ कि आपको वो पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो अगली वायु है टाइप्स ऑफ वातोस, उसके अंदर है हमारी उदान वायु। उदान वायु के अंदर कंप्लीट डिटेल के अंदर हम बात करेंगे उदान वायु क्या है। यदि इससे पहले आपने वो प्राण वायु का वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से भी जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज के हम पढ़ेंगे उदान वायु। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि त्रिदोष के अंदर वात दोष सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितने भी डिजीजेज होते हैं उन डिजीजों का जो 80% डिजीज हैं वो वात दोष के वाइटेशन, उसके प्रदूषित, उसके वृद्धि या क्षय होने के कारण ही डिजीज प्रोड्यूस होते हैं। तो वात दोषों का रोगों के उत्पत्ति के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे उदान वायु, इसकी साइट्स और इसके फंक्शन के बारे में आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा ले चलते हैं उदान वायु। देखिए, उदान वायु होती क्या है? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, सबसे पहले प्राणवायु, जो प्राणवायु की मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी, वो मैंने आपको बताई थी कि एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल है उससे बॉडी के अंदर वायु का गमन होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब आउटसाइड से इनसाइड, उसको बोलते हैं अनुलोम मोशन, अनुलोम गति, ठीक है। आउटसाइड से इनसाइड को बोलते हैं अनुलोम गति। इसी के साथ साथ लेकिन जो उदान वायु की गति होती है वो आपकी अनुलोम गति ना होकर प्रतिलोम गति होती है। कहने का मतलब, अब इसका आप विपरीत देखिए, अपोजिट जो बॉडी है, शरीर है, उससे वो एनवायरनमेंट के अंदर वायु का कंडक्शन होगा, वायु का फ्लो होगा, मोशन होगा। अब वो अलग अलग फॉर्म के अंदर होगा, वो मैं भी आपको फंक्शन ऑफ उदान वायु इसके अंदर और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा इसकी। तो अभी के लिए आपको इतना ध्यान में रखना है कि प्राणवायु की जो गति होती है वो अनुलोम होती है, जबकि उदान वायु की गति प्रतिलोम गति मानी गई है, होती है। देखिए, इस पर गिवन भी है कि डायरेक्शन ऑफ द प्राणवायु इज द अनुलोम गति, और जबकि डायरेक्शन ऑफ द उदान वायु इज द प्रतिलोम गति प्राणवायु की विपरीत मोशन गति होती है उदान वायु की, ठीक है। इसको हम अभी फंक्शन ऑफ उदान वायु के अंदर और भी क्लियर रूप से देखेंगे। आगे देखिए, इसकी साइट्स कौन कौन सी हैं। इसके अंदर साइट्स के अंदर गिवन है कि उरह स्थानम उदानस्य, उरह मीन्स थोरेक्स की जो थोरेक्स, जो इसकी मेन साइट होती है उदान वायु की, आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पर हमने बात की थी प्राणवायु के अंदर थोरेक्स एंड हेड इज द मेन साइट ऑफ प्राणवायु, तो ये आपको कंपेरेटिवली आपको याद रखना है ताकि आप इसके अंदर कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि अभी हमने ये टाइप्स ऑफ वात दोष इसके अंदर ये सेकंड नंबर का ही वात दोष चल रहा है। अभी आपके 3, 4 और 5 तीन प्रकार की वायु और भी रिमेनिंग है, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने लगता है कि ये फंक्शन या ये साइड इस टाइप्स ऑफ वात की है या इसकी है। तो इसके लिए आप एक दूसरे से इंटरलिंक करके याद रखेंगे तो उसमें आपको बेहद आसानी होगी लर्न करने में। आगे देखिए इसके अंदर गिवन है कि थोरेसिक केविटी इज द साइट ऑफ उदान वायु। अब देखिए, इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दीज टाइप ऑफ वायु फ्लो फ्रॉम इनसाइड द बॉडी टू आउटसाइड इन रिवर्स डायरेक्शन। जो अभी मैंने आपको बताया वो ही टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा है, इनसाइड की जो इनसाइड से आउटसाइड गति होती है, ठीक है। अभी आपको ये जो पॉइंट है आपको और भी क्लियर हो जाएंगे आगे जैसे हम मूव ऑन करेंगे। अब इसके इन साइड्स के अंदर एक और पॉइंट गिवन है, और वो क्या है, द स्टार्ट फ्रॉम अम्बिलिकस रीजन एक्सटेंड टू थ्रोट एंड रीचेज द नोज टू गो आउटसाइड। देखिए, इसका मूवमेंट अम्बिलिकस रीजन इनसाइड से स्टार्ट हुआ, अम्बिलिकस रीजन इससे स्टार्ट हुआ, वो वहाँ पर एक्सटेंड करती है थ्रोट मतलब गला, इस पर एक्सटेंड करती है और कहाँ तक जाती है, ये नोज तक मोशन करती है। नोज इसका मतलब इनसाइड से आउटसाइड मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है। कौन सी वायु का? उदान वायु का। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि उदान वायु का मूवमेंट
अनुलोम ना होकर प्रतिलोम होता है। ये आप समझ गए होंगे पॉइंट। आगे हम देखते हैं फंक्शन, फंक्शन ऑफ उदान वायु, उदान वायु के फंक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए फंक्शन के अंदर इसमें सबसे पहले गिवन है कि अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12। देखिए मैंने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि जो आपके दोष हैं त्रिदोष वातपित्त कफ, इसके अंदर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, एसएक्यू क्वेश्चन और इसके साथ साथ एलएक्यू क्वेश्चन, इन जो तीनों प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आपके आने की पॉसिबिलिटी रहती है और आते ही हैं, क्योंकि ये बेसिक से बेसिक पार्ट कवर करते हैं तो इनसे क्वेश्चन आने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो यदि आप किसी भी कोटेशन लिखते हैं, श्लोक लिखते हैं, उसके यदि आप रेफरेंस के बारे में उसको ज़रूर लिख देते हैं तो आपको इसके एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इसका 1+1 मार्क्स इसको आपको एक्स्ट्रा मिलता है, चाहे कोई सी सब्जेक्ट हो। आप पदार्थ विज्ञान में कोटेशन लिख रहे हो, क्रिया शरीर के अंदर, अष्टांग हृदय, चरक संहिता, यदि आप उस लेसन को, सूत्र स्थान को, कोई सा भी स्थान हो सकता है, उसका रेफरेंस यदि आप वहाँ पर देते हैं तो आपको इसमें 1 मार्क्स ऐड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एसएक्यू और एलएक्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे का कोटेशन है हमारा, कि क्या है कोटेशन, कि देखिए वाक प्रवृत्ति, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, ये आपको लर्न करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कि वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया इज द फंक्शन ऑफ उदान वायु। ये आपके अष्टांग हृदय के अंदर भी 12 चैप्टर के अंदर आएगा, तो यहीं से आपको इसको लर्न कर लेना है। अभी मैं आपको डिटेल के अंदर इसका एक एक जो पॉइंट है उसको हम क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें वाक प्रवृत्ति, वाक प्रवृत्ति क्या होती है। देखिए वाक प्रवृत्ति का यहाँ पर मीनिंग बहुत ही अच्छा सा मीनिंग गिवन है, वाक प्रवृत्ति मीन्स स्पीच, स्पीच रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एयर एंड स्पीच। देखिए वाक प्रवृत्ति, जब बोलने हम क्यों बोल पाते हैं, किस कारण से बोल पाते हैं, हमारी जो थ्रोट है उसके अंदर वोकल कॉर्ड एक दूसरे के पास आते हैं, फिर दूर जाते हैं, पास आते हैं, फिर दूर जाते हैं, तो वोकल कॉर्ड का ये जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट होने के बाद में ही स्पीच, मतलब स्पीच बोली का प्रोडक्शन होता है, आवाज़ निकल जाती है। तो वोकल कॉर्ड का जो ये मूवमेंट है, उस मूवमेंट के अंदर भी उदान वायु का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए यहाँ गिवन है वाक प्रवृत्ति। आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिए वाक प्रवृत्ति के अलावा हमने बात की थी प्रयत्न, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न, प्रयत्न एफर्ट्स, जो भी आपको एक्टिविटीज, एनी एक्टिविटीज इज डन बाय अस फॉर अचीव समथिंग, किसी भी आप एक्टिविटीज कोई काम करते हैं, चाहे वो आपका गोल हो, किसी गोल को अचीव करना हो, या फिर कोई अदर एक्टिविटीज है, तो उसके अंदर जो भी आप कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो वो एक्टिविटी ही आपकी प्रयत्न है, एफर्ट्स है, इसमें कोई समझा लेने लायक कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये आपको लर्न कर लेना है। अब देखिए ऊर्जा और बल, ऊर्जा और बल का कारण भी उदान वायु होती है, जो एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई 50 kg का कोई ब्लॉक है, कोई वेट है, यदि आपको आप उसको उठाते हैं तो उठाने के अंदर आपको एनर्जी और स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, तो जो एनर्जी और स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करवाएगी वो आपकी करवाएगी उदान वायु, उदान वायु ही आपको एनर्जी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं इसके अंदर वरण, वरण मीन्स स्किन कॉम्प्लेक्सेशन, कलर ऑफ स्किन, ये काम भी उदान वायु का ही करती है। नॉर्मली कलर आर फेयर डस्टी ब्लैक एंड इन बिटवीन फेयर एंड डस्टी, गोरे और काले के, या फिर आप मटमेला बोल सकते हो, उसके बीच के अंदर ही कलर होती है, जो कलरिंग का जो काम है स्क्रीन को, वो भी उदान वायु ही करती है। आगे देखिए इसके अंदर लास्ट गिवन है स्मृति मीन्स मेमोरी, स्मृति मेमोरी रिकॉलिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल आपके माइंड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा है, और यदि आप उसको 2 से 2-4 या फिर मैनी ईयर्स बाद में यदि आप उसको दोबारा से देखते हैं, तो आपको जो नॉलेज, जो जिस ऑब्जेक्ट को आपने पहले देखा था उसको आपकी रिकॉलिंग पावर होती है, वो आपको रिकॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो रिकॉलिंग के लिए जो काम करो, रिकॉल का काम करवाता है, वो आपका उदान वायु ही करवाता है। तो स्मृति, स्मृति मीन्स रिकॉलिंग कैपेसिटी, आप उसको कितना याद कर पाते हो पूर्व की बातों को,
उसके अंदर बोलते हैं स्मृति। और ऐसा कैसा, हमारे जब मैंने आपको प्राण वायु पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने एक कोटेशन आया था, उसके अंदर आया था धिक। धिक मीन्स धी, सिलेक्शन ऑफ गुड एंड बैड थॉट्स। तो उसका जो काम है वो प्राणवायु करती है, जबकि रिकॉलिंग कैपेसिटी का काम है वो आपकी उदान वायु करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आगे इसके अंदर गिवन है मैन फंक्शन। देखिए वहाँ पर हमने मैन फंक्शन की बात की थी, प्राणवायु का जो मैन फंक्शन होता है वो होता है इनहेलेशन, इंस्पायरेशन एंड डीग्लूटिनेशन, क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट की तरफ है। मैं आपको फिर बता दूं, ये दो टर्मिनोलॉजी आपकी बहुत ही ज़्यादा यूज हो रही हैं, और दोनों जो प्रकार की वायु हैं उनके अंदर जो मैन डिफरेंस है वो अनुलोम है, और एक दूसरे एक वायु का जो मोशन है वो प्रतिलोम होता है। तो बार बार आपको ये सेंटेंस तो सुनने को मिलेगा ही। अब देखिए मैन फंक्शन के अंदर इधर गिवन है एक्सपायरेशन और स्पीच। एक्सपायरेशन और स्पीच ये रिवर्स हो ही गया, क्योंकि इंस्पायरेशन किसका काम था, प्राणवायु का, और एक्सपायरेशन किसका हो जाएगा, उदान वायु का। और स्पीच करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि CO2 जो है वो बाहर एनवायरनमेंट के अंदर जाती ही है। तो इंटरनल से एक्सटर्नल मोशन, कहने का मतलब प्रतिलोम मूवमेंट हो ही गया। आगे देखिए इसके अंदर एज्यूम। अब देखिए, अब हम वात को एक प्रकार की वायु को डिस्टर्बेंस किया जाए, यदि उदान वायु को डिस्टर्बेंस किया जाए तो उससे क्या क्या हो सकता है उनको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एज्यूम द उदान वायु इज डिस्टर्ब्ड। उदान वायु डिस्टर्ब होगी मीन्स बॉडी के बाहर एयर का मूवमेंट नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, यदि बॉडी के बाहर एयर का मूवमेंट नहीं हो पा रहा, इसका मतलब जो CO2 है, CO2 वो एटमोसफेयर, बॉडी से एटमोसफेयर में नहीं जा रही। इसका मीन्स हमारे बॉडी जो टिश्यू है वहाँ पर उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो CO2 एक्यूमुलेटेड इनसाइड द बॉडी। अब आप खुद सोचिए कि बॉडी CO2 के अंदर, CO2 बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है। CO2 टॉक्सिक होता है इसका मतलब, और ये एसिडिक नेचर के अंदर होता है। इसका मतलब ये जितना ज़्यादा बढ़ेगी बॉडी के अंदर एसिडिक नेचर उतना ही बढ़ जाएगा। तो एसिडोसिस डेवलप्स, बॉडी के अंदर एसिडोसिस डेवलप हो जाएगा। उससे क्या होगा, उसके जो हार्ट है वो ब्लड को ऑक्सीजन, नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, लेकिन अब ऑक्सीजनेटेड के साथ साथ सम अमाउंट ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मिक्स्ड। तो दोनों एक साथ होकर मोशन होगा, पंपिंग होगी, तो वो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और डी ऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाएंगे। तो वैसे ब्लू ब्लू कलर का आपकी स्किन शो हो जाएगी, उसको बोलते हैं साइनोसिस। पेशेंट लूज हिज स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, मेमोरी गेट लॉस्ट, इररिलेवेंट स्पीक। देखिए वही बात हो गई ना, कि जो हमने फंक्शन बताए थे वात दोष के, वो डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, हालांकि हमारे आचार्यों ने, कई आचार्यों ने बताया है कि जो स्पीच, जो मैन फंक्शन होता है स्पीच एंड एक्सपायरेशन, उसमें आप मान लीजिए कि जो स्पीच मैन फंक्शन है यदि वो डिस्टर्ब हो जाता है, या आप बोल सकते हो एक्सपायरेशन, जो भी अभी हमने बात की कि एक्सपायरेशन डिस्टर्ब होने से जो जितने भी वात के फंक्शन हैं, वात के फंक्शन, उदान वायु के फंक्शन, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए, होए कि नहीं बताइए आप। साइनोसिस हो गया, पेशेंट लूज हिज स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, मेमोरी गेट लॉस्ट, स्मृति क्रिया भी चलेगी, इररिलेवेंट स्पीक, वाक प्रवृत्ति, वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए बोला जाता है कि उदान वायु एक इम्पोर्टेंट वायु है। यदि आपके बॉडी के अंदर बैलेंस स्टेट के अंदर रहती है तो आप हेल्दी स्टेट के अंदर रहते हैं, और यदि अनबैलेंस स्टेट के अंदर हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये अनहेल्दी होने का संकेत देती है आपको। अब इसके अंदर एक पॉइंट और बताया गया है, जैसा कि अभी हमने इसमें डिस्कस किया वही पॉइंट है ये, विटेशन ऑफ उदान वायु। विटेशन ऑफ उदान वायु, उधर जत्रुगतान रोगान करोति च विशेषता है। देखिए उधर जत्रुगान मीन्स जो क्लेविकल है, क्लेविकल बोन, उसके ऊपर के जितने भी साइड्स ऑफ उदान वायु हैं, यदि उदान वायु डिस्टर्ब होती है तो क्लेविकल के ऊपर जितने भी प्रकार के साइड्स हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो अपना फंक्शन प्रॉपर रूप से नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, ऊपर साइड होती है आपकी नोज, थ्रोट, फेरिंग्स, लेरिंग्स, तो वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो था जो मैंने आपको उदान वायु के अंदर बताया। यदि SAQ और LAQ के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
मैंने हर एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट को इंक्लूड करने की कोशिश की है। यदि आपको फिर भी इसके अंदर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अगले वायु की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए।